अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है हमारा जो है लेंटर डल चुका था हमारे न्यू घर का। तो उसके अलावा ऊपर जो काम है ना वो आज स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अपने तो हो रहे हैं और मिस्त्री साहब जो है खाना खा रहे हैं दोपहर का। और आज जो है ना घर में कोई भी नहीं है, फोत की हो गई है ताजान की जो मासी है ना वो फोत हो गई है, तो उधर गए हुए हैं, उनके दसवें का ख़त्म है, उधर गए हुए हैं सब घर वाले। घर में कोई नहीं है तो इस वजह से जो है ना हमें मिस्त्रियों को खुद चाय बना कर ना पिलानी पड़ेगी। तो चाय बना रहे हैं भाई असद, ऐसी चाय बनाना कि कोई भी ना पिए, बाद में हम पियेंगे ठीक है। फिर बाद काम भी कर लेंगे। पंजी तला चाय बन गई है भाई, इसने बनाई है चाय। बस यार पी के बताना सही तो नहीं बनी। बिल्कुल ठीक है। चाय तेरे पूरी कर। हमारे न्यू घर की जो है ना ये भी लग गई है, इसे क्या कहते हैं ग्रिल, हाँ ग्रिल लग गई है। ये देखें माशाल्लाह। साढ़े तीन हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे वाली दीवार जो है ना वो बन गई है, अभी साइड पे बनाने लगे हैं। क्या उर्दू में बात करो? उर्दू में? हाँ जी उर्दू मुझे नहीं आता। नहीं एक बार बोल दे बस, एक बार। एक बार भी क्या बोलूं? ये कहें कि न्यू ईंटों के साथ जो है ना दीवार बहुत अच्छी लगती है। न्यू ईंटों के साथ? हाँ जी क्यों नहीं, न्यू उर्दू चाहिए। चलो नई ईंटों के साथ है। हाँ जी कहते नई ईंटों के साथ। नई ईंटों के साथ क्यों सही? नई ईंटों के साथ ये भूंडा कैसा लग रहा है? पामीर अब आपकी बाटी। एक मिनट रुक जाए, आप ये रख ले। अब आप बताएं, अब आप कहें न्यू ईंटों के साथ ये दीवार बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी बहुत अच्छी। कहें आप ऐसा कहें? न्यू ईंटों के साथ बहुत अच्छी दीवार लगती है, पुरानी ईंटों के साथ अच्छी नहीं लगती। वाह देखा ना, देखा कारीगर का बंदा। इतना ज्यादा मैं कैसे खाऊंगी जी? आप खा लीजिए मुझे दे दे, आपने आधा खा लिया ना। ये जो ग्रिल है ना ये लग गई है, उसके अलावा जो उसके वो होते हैं क्या उसे कहते हैं यार उर्दू में क्या कहते हैं वो जो कुंडे शुंडे होते हैं वो लगा रहे हैं भाई सदीक, चचू सदीक, पास सदीक। इसका ये फायदा हो जाएगा कि ये लग गया ना, अब यहाँ पर लग गई है ग्रिल, हम लोग ये वाली दीवार निकालेंगे और उधर वाला घर और इधर वाला घर नीचे से भी एक ही हो जाएगा। जो भाई सुबह की ईंटें फेंक रहे थे ना उनको जो है ना दिहाड़ी दी है। कितनी? कितनी? 4000। कितनी ईंटें फेंकी हैं उन्होंने? 5000 फेंक दी हैं। वाह ये सारी 5000 हैं, उस कमरे उधर भी 5000 ईंटों का 4000 रुपया, 800 रुपये 1000। बहुत ज़्यादा ईंटें फेंकी इन्होंने तो। आप चढ़ कर देखे दो चार दफा पौड़ी पर ऊपर रह नहीं जाएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, उनकी प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस। एक दो, एक दो ना। भाई सेब की है। सेब है करेला? सेब की चल रहे हो? सुन कई बार सुनिया भी नहीं, जरा खेडन जाना चबला मार दियो, मैं भी नाल जाना। यहाँ पर मिस्त्री और अबू जान की जो है डिस्कस चल रही है कि मिस्त्री कह रहे थे छुट्टी करनी है, अबू जान कह रहे थे कि कोई छुट्टी नहीं करनी, काम खत्म करो आप जो है ना पहले ये वाला, तो अभी करते हैं जो भी करना है इन्होंने। हम लोग जा रहे हैं अभी खेलने। अबू जी इतने बारी भी रखनी जी, वही मैं कहना रखा लो आप ही कितने खेलना बंद कर छे। इधर काम हो रहा है ग्रिल का, काफ़ी देर हो गया हम लोग ना खेलने नहीं गए बाहर,
तो आज जो है ना सेब लोग जा रहे हैं, कल भी जो गए थे खेलने तो मैंने कहा कि मुझे भी साथ ले जाएं। आप भी जा रहे हो? मैं भी साथ जा रहा हूँ यार, ऑफ कोर्स आई एम अ बिग प्लेयर, आई एम अ बिग प्लेयर। एंड वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है भाई जान, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक हो तुम? क्या क्या हाल है? मैं भी ठीक ठाक हूँ, तुम नीचे उतरो क्योंकि मैं साथ जा रहा हूँ। आगे नहीं बैठूंगा, तुम थले उतरूंगा। तुम थले उतरोगे, तुम दौड़ते हुए आओ। इंग्लिश बोल रहे सुनिया, मेनु बिठा लो कितने। आपको नहीं आती इंग्लिश? उतरो आप लोग नीचे, मैं कह रहे हैं कि इनको नहीं साथ लेके जाना। उतरे, दो दिन उतरे, 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 जल्दी करें। उतरो सुबह के कार्टून देख, जाओ अपने आप अपने दोस्तों के साथ खेलो, अम्मी से पूछ के जाना, ऐसे नहीं जाना। उतरो नीचे, साथ नहीं जाना हमारे, जल्दी करें। जो उतरो, आप उतरो यार, नहीं आपने साथ जाना, वहाँ पर बड़े बड़े लड़के खड़े होते हैं। चल 10 रुपए ले लो, उतर जाओ। 20 रुपए ले लो, 10 रुपए लेगा आप? 20 रुपए मुझे दे दे, मैं उतर जाता हूँ। उतर, 20 रुपए पहले देना, 20 रुपए तो बाद में दूंगा। नहीं बाद में, मैं बाद वाला काम ही नहीं करता। अभी गेरी कटानी तुम उतर। शाम हो चुकी है, हम लोग खेले हैं चौकरंडा, बहुत ज्यादा मजा आया, तो भी हम लोग घर जाने लगे हैं। सर हम आ गए हैं, शाम हो गई है और हमारी ग्रिल लगता है बन गई है बिल्कुल सही। सही हो भी, अब ठीक होगा ना काम, अब वो दीवार निकाल भी देंगे ना, रात को यहाँ से कुंडी लगाएंगे और हम लोग सेफ तो होंगे ना। इस तरह तो हम लोग ऊपर में बैठे हुए थे, अब थोड़ा सा काम ठीक हो गया, सही हो गया। अभी बाहर से कोई नहीं आएगा, अंधेरा हो गया और यहाँ पर नीचे बातें चल रही हैं, पता नहीं कौन सी, जाके सुनते हैं। जो भी बात हो ना मिस्त्री के मतलब या कोई भी बात हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी वो सुनूँ, मुझे पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ताकि आपको पता है कुछ भी मतलब हर चीज़ का पता होना चाहिए ना दुनिया में। इस वजह से जो है ना मैं सारा दिन आगे पीछे घूमता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, शरबत शरबत कितने खाने लगे? लगे हैं प्यान बंदे, आप ही पी लो, पेट्रोल है। मैं आया हूँ और बातें ख़त्म करके तो सब लोग जाने लगे हैं। चाचा सदीक भी जा रहे हैं, जो दरवाजे वगैरह जिन्होंने बनाए हैं। चाचा सदीक का काम मुक गया? हाँ फिलहाल मुक गया। कितने पैसे ले बना? सदीक ने 3000। 3000 और ग्रिल दा? ग्रिल दा ते दरवाजे दा, ग्रिल दा सूत्र जड़ी लगी गलारन उदा ते 1000। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक तो ये ग्रिल है और इसके अलावा ये ऊपर भी, ये देखे माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। एक ये इन चीजों का 3500, एक चुगाठ भी बनाई हो पई होते अंदर। ठीक हो गया 3500 और 3000, 3000 ठीक हो गया, ठीक हो गया। शाम का टाइम हो गया, दाजर ने पूछन देने भी की खा के आए हो खत्म जो, दाजर ही आ गए ना खत्म जो हो गए। सुक्की भी लगनी नहीं लान देना, मेरे रोटियां दो खादियां ना, कोई कसम नहीं ला दे ना ऐसे गल्लों, असी आने आ भी खान पीने वाले बंदे नाल लेके जाए कर मेरे से दे खान दे दो प्लेट अपने कमरे में। जब खाना बनेगा फिर अम्मी जान मुझे बता देंगे और मैं आके खा लूंगा। अभी ये देखे मुझे यहाँ से होकर ऊपर से गली में से गुजर के जाना पड़ेगा उस घर में, मतलब उस कमरे अपने में। अगर यहाँ से पर दीवार नहीं होगी तो आसानी सीधे से चला जाऊंगा, जैसे आ जाऊंगा बार बार। कुंडी कितने मारने में चलना, उसका चला हूँ।